आपकी जो आवास है उसको लेकर सीएम इंक्वायरी जो है वो कर दी और विपक्ष हमला बोल रहा है आप लोगों पे लगातार। मैं ये कोई पहली बार तो है नहीं। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं और ये उनकी घबराहट दिखाता है। ये पहली इंक्वायरी तो है नहीं, अभी तक 50 से ज़्यादा इंक्वायरी करा चुके हैं। कभी कहते हैं कि शराब घोटाला हो गया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बस घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने स्कूल घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने सड़कों का घोटाला कर दिया। इन्होंने 33 से ज़्यादा मेरे ऊपर केस करे और इन्होंने सारी छानबीन कर ली, सारी जाँच कर ली। पिछले 8 साल से जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूँ जब से, तब से ये जाँच ही जाँच किए जा रहे हैं, अभी तक तो कुछ मिला नहीं। तो अब ये नई इंक्वायरी इन्होंने शुरू की है, इस इंक्वायरी का भी स्वागत है। इसमें भी कुछ नहीं मिलने वाला, जैसे पहले कुछ नहीं मिला वैसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो एक चौथी पास राजा से आप और उम्मीद भी क्या कर सकते हो? 24 घंटे केवल और केवल इंक्वायरी का गेम करते रहते हैं या केवल भाषणबाजी करते रहते हैं और काम तो कुछ करते नहीं है। ये लोग ये चाहते हैं कि मैं इनके सामने झुक जाऊँ, ये लोग चाहते हैं कि ये मेरे को तोड़ दें। वो नहीं होने वाला, केजरीवाल झुकने वाला नहीं है। ये फर्जी इंक्वायरी जितनी मर्जी इंक्वायरी कर ले, जितनी मर्जी केस कर ले, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। लेकिन हाँ, आज मैं चौथी पास राजा को एक चैलेंज देना चाहता हूँ। जैसे पिछली इंक्वायरियों में कुछ नहीं निकला, अगर इस इंक्वायरी में भी कुछ नहीं निकलेगा तो क्या आप इस्तीफा दोगे झूठी इंक्वायरियाँ कराने के जुर्म में?